आगे बढ़ते हैं। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि वो आडवाणी की अनदेखी करते हैं, आडवाणी का सम्मान नहीं करते। लेकिन पीएम मोदी ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। राम मंदिर आंदोलन के महारथी को सारथी मोदी ने भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान कर विरोधियों को चुप करा दिया है। देखिए रिपोर्ट। कुछ क्षण ऐसे बीतते हैं कि जिसको वो जीवन भर याद रखता है और कहता है कि मेरे इतिहास में ये प्रसंग भी हुआ था। आज का प्रसंग उनमें से एक है। तो 47 में एक ऐतिहासिक क्षण आया, जब आजादी मिली बहुत खुशी हुई थी, आंखों में आंसू आए थे। जब इमरजेंसी लगी थी, फिर वो इमरजेंसी समाप्त हुई जिस प्रकार से, आंखों में फिर से आंसू आए। जब मैं यहाँ आया, नरेंद्र भाई मिले, तो आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना, ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी से प्रार्थना करता हूं, वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की। शब्द शून्य हो गए, गला रुंध गया, आंखें दबदबा गईं, भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा और संसद के सेंट्रल हॉल ने खामोशी ओढ़ ली। ये भाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनापन था, सम्मान था और सवाल था। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। प्रधानमंत्री कहते रहे, आडवाणी सुनते रहे, और नेपथ्य में सत्ता संघर्ष की राजनीति का वो दौर था जिसने बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। पांच पीढ़ियों की तपस्या का है। तारीख 25 सितंबर 1990, जगह सोमनाथ गुजरात। यही वो तारीख थी जिसने देश की राजनीति की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी। 1990 में सितंबर की 25 तारीख को सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई थी, जिसे नाम दिया गया था राम रथ यात्रा, जिसे कामयाब करने की पूरी जिम्मेदारी तब बीजेपी महासचिव रहे नरेंद्र मोदी के जिम्मे थी। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के आह्वान के साथ ही बीजेपी की मुख्य धारा की राजनीति में नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। संघ से पार्टी में आने के बाद मोदी गुजरात से दिल्ली तक की राजनीति को परख रहे थे, तब वे दिल्ली में रह रहे थे। बीजेपी का संगठन नरेंद्र मोदी के मैनेजमेंट स्किल को परख चुका था, लिहाजा आडवाणी की रथ यात्रा का मैनेजमेंट उन्हें थमा दिया गया। टोयोटा ट्रक को भगवा रंग के रथ का रूप दिया गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण की अलख जगाने के भाषणों से गूंजती ये रथ यात्रा जिधर से गुजरती थी, वहां राम भक्तों का हुजूम इकट्ठा हो जाता था। रथ पर सवार आडवाणी के बगल में बैठे थे नरेंद्र मोदी, जो सारथी जैसी भूमिका में नजर आते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लाल कृष्ण आडवाणी को अपना गुरु मानते हैं और कई मौकों पर इसका जिक्र भी कर चुके हैं। आडवाणी का बीजेपी को शिखर तक पहुंचाने में जितना योगदान है, उतना ही नरेंद्र मोदी के सफर में भी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच आत्मीयता की वजह इतनी ही नहीं थी। 7 अक्टूबर 2001 हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये वही तारीख थी जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। शपथ ग्रहण समारोह में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहे थे। बावजूद इसके 6 महीने बाद ही गुजरात को सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा था। 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती ट्रेन में आगजनी की घटना में 58 लोग मारे गए, जिसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसके इल्जाम तत्कालीन सरकार पर लगे। इस एक घटना ने पूरे देश की राजनीति को किस तरह से गर्मा दिया, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तब केंद्र में भी एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जो खासे नाराज थे। विपक्ष इस्तीफे पर अड़ा था तो पार्टी का एक धड़ा नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर रहा था। गुजरात पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी भी तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा चाहते थे, लेकिन मोदी के राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी इस्तीफे के सख्त खिलाफ थे। इतिहास का वो एक अध्याय है कि अटल बिहारी वाजपेयी वो चाहते थे कि इनको सीएम के पद से हटाया जाए, आडवाणी जी नहीं चाहते थे, और बहुत सारे लोग आडवाणी जी के पक्ष में थे। अटल जी एक ऐसे नेता थे जो कंसेंसस के आधार पर काम करते थे। जब उन्होंने महसूस किया कि कंसेंसस उनके पक्ष में नहीं है, मोदी जी को हटाने के पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने अपना पांव पीछे खींच लिया और मोदी जी बने रहे। ये उस समय का इतिहास है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया है। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने पर लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद इस्तीफा देने की बात तक कह दी थी। आडवाणी तब अटल सरकार में गृह मंत्री थे। ऐसा बताया जाता है कि वाजपेयी जी ने कहा कि मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आडवाणी जी ने कहा कि ऐसा वहाँ पर गोवा की कार्यकारिणी में कर लिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी पर उनका खास स्नेह भी रहा कि वो लगातार उनको करते रहे, उनके मुख्यमंत्री बनने के में उनकी भूमिका बड़ी रही, उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने में उनकी भूमिका बड़ी रही। माना जाता रहा कि आडवाणी के सबसे प्रिय नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी रहे हैं। जब राजनीतिक संकट हुआ था नरेंद्र मोदी पर गुजरात में, तब भी लाल कृष्ण आडवाणी ने ही उन्हें बचाया और उन्हें ताकत दी। लाल कृष्ण आडवाणी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में हमेशा सम्मान रहा, लेकिन दोनों के रिश्ते में खटास का भी दौर आया। 13 सितंबर 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे नाराज आडवाणी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में नहीं पहुंचे। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह आडवाणी को मनाने उनके घर पहुंचे। खबर आई कि आडवाणी का काफिला संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उनका मन बदल गया। वो तो नहीं आए, लेकिन सामने आई उनकी लिखी चिट्ठी, जिसमें उन्होंने लिखा था, जब आप मुझे संसदीय बोर्ड की बैठक की सूचना देने आए थे, तब मैंने अपनी व्यथा और आपकी कार्यप्रणाली पर निराशा के बारे में कुछ कहा था। मैंने आपको कहा था कि मैं ये विचार करूंगा कि आज की बैठक में आकर सबके सामने अपनी बात रखूं या न रखूं। अब ये फैसला किया है कि मुझे आज की बैठक में शामिल नहीं होना है। आडवाणी नाराज थे, लेकिन बीजेपी फैसला ले चुकी थी। आरएसएस का मोदी को पूरा समर्थन हासिल था। आरएसएस ने बीजेपी को साफ कह दिया था कि मोदी के नाम पर अब किसी की हाँ या ना सुनने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को मानना पड़ा। अब ये लगता है
कि आज मेरे लिए भी गर्व की बात है, गुजरात के लिए तो गर्व की बात है ही, इस बात की है कि नरेंद्र भाई मोदी को दो हजार 2014 में बीजेपी की जीत के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को गले लगाया तो मोदी ने कई बार पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। संसद से सेंट्रल हॉल की ये तस्वीरें 2019 की हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी दोबारा जीत कर आए थे तो लालकृष्ण आडवाणी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। आडवाणी भी कई बार सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहे हैं। एक किस्सा सुनिए। एक लड़की ने मुझे कहा, मैं जब गुजरात का उल्लेख करने लगा, गुजरात में कैसी प्रगति हो रही है उसका उल्लेख करने लगा, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि आडवाणी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जो है वो अब आपकी पार्टी से भी बड़े हो गए हैं? तो अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो और मुझे सुनकर के तो खुशी होती है, मुझे सुनकर के कोई उसके कारण मन में चिंता नहीं पैदा होती। उस बुजुर्ग को कहा जाए कि आप जो बातें बता रहे हैं उससे बढ़िया बातें तो आपका जो होता है वो बताता है, उसके मन में खुशी होगी। ऐसा रिश्ता रहा है पीएम मोदी और लालकृष्ण आडवाणी का, जिसने राजनीति की बंदिशों से आजाद होकर वक्त के साथ एक गुरु और अभिभावक का आकार लिया। यही वजह है कि जब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी खुशी जाहिर करने में देर नहीं की, लिखा, आडवाणी जी हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं, देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी दशकों तक पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्ध रहे, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत मौके मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों में लालकृष्ण आडवाणी के प्रति अपनत्व का संपूर्ण सार है। जन्मदिन का मौका हो या फिर पार्टी की जीत का मौका, पिछले एक दशक के दौरान जब भी अवसर मिला पीएम मोदी भारत रत्न आडवाणी जी का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचते रहे। अटल आडवाणी की जोड़ी ही थी जिसने बीजेपी को वो उत्थान दिया जहां पहुंचने के लिए विरोधियों की दशकों की सियासत भी नाकाफी साबित होती रही है। बीजेपी के लौह पुरुष को भारत रत्न मिलने से खुशी जाहिर है।